गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और मैं हूँ वाइट रन ऑफ कच्छ में। यस, दिस इज़ वाइट रन ऑफ कच्छ, दिस इज़ नॉट अ सी। क्या सही टाइम होना चाहिए रन ऑफ कच्छ के विजिट के लिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल सी की तरह दिख रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट टाइम टू विजिट रन ऑफ कच्छ। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो के सीरीज़ को देखते रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट बेस्ट टाइमिंग क्या है जहाँ पर आप अपना प्लान कर सकते हैं विजिट, क्या कॉस्टिंग होने वाली है, क्या स्टे करना है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर ये सब कुछ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से सनराइज़ के साथ ग्रेट वाइट रन ऑफ कच्छ में। तो बहुत सारा क्राउड है आज, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी सराउंडिंग में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज दिस कंडीशन ऑफ रन में ऐसे रन में इतना ज़्यादा क्राउड होगा। ऊपर आप फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ओ माय गॉड, पूरा फुल है। बट लोगों का रिएक्शन क्या है इस पानी को देखने के बाद, मैं सोचा कि चलो एक दो लोगों से बात करके देखता हूँ। तो मेरे साथ एक ट्रैवलर है जो कि गांधीनगर से यहाँ पे आए हैं, तो मैं उनसे थोड़ा पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है। आपने क्या सोचा था कि रन ऑफ कच्छ कैसा दिखाई देगा यहाँ पे? आ जाओ मेरे पास आओ, चलो इनसे मैं पूछता हूँ। ये छोटे से मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कैसा लग रहा है आपको। आपने अच्छा सोचा था, ऐसा सोचा था कि ये पानी होगा या रन होगा वाइट? मेरे को तो पता नहीं था, फर्स्ट बार आया था इसके लिए मेरे को पता नहीं। ओके, देखिए बहुत ज़रूरी है इनका एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम मैं विजिट कर रहा हूँ रन में, बहुत खूबसूरत सा होगा। बट ऐसा नहीं है, कहीं भी ट्रैवल करने से पहले आप पूरा डिटेल्स ले लें, क्या है, कैसे है, क्या रेडी है कि नहीं, स्पेशली रन के लिए, क्योंकि हमेशा सही टाइम पे रेडी नहीं होते। कैसा रेनफॉल हुआ है, वाटर की डेंसिटी क्या है, इसके हिसाब से डेट और टाइम चेंज होता है। तो ये फिक्स नहीं है कि नवंबर टू मार्च ही मुझे रन मिलेगा, दिस इज़ 30th अक्टूबर और इट्स लाइक अ सी ओनली। तो चलिए, कब ये ड्राई होगा, कब ये रेडी होगा, कब बेस्ट टाइम होगा आपके विजिट के लिए, मैं आगे बताता चलूँगा। तो एक वाइट रन का पूरा वॉक अराउंड व्यू मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप एंटर करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा अगर ये वाइट रन का टाइम हो, रन उत्सव का टाइम हो। एक्चुअली यहाँ पे आपको एक गेट मिलेगा इस पोजिशन पर, यहाँ पर एक गेट जैसा होगा, बट अभी रेडी नहीं है तो वो रेडी नहीं किया गया है। ऊपर से ये टेंट सिटी वालों का बस मिलेगा आपको, रन सफारी, और बहुत सारा कैमल राइड होगा यहाँ पे, जो कि अभी नहीं स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ रन। आप देख सकते हैं ड्राई नहीं हुआ, मैं आपको क्लोज व्यू दिखाया था, वो बिल्कुल पानी है। अगर ये ड्राई हो गया होता तो ये पूरा एरिया ये दोनों वाइट बिल्कुल दिखाई दिया होता यहाँ पर आपको, वाइट स्नो की तरह। आप कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये स्नो है या शॉल है, और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये पानी दिखाई देगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि पूरा का पूरा एरिया अभी वेट है, अभी आना बिल्कुल वर्थ नहीं है। जब भी आप प्लान बनाते, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिली से बात की, हालांकि मैंने ऑन कैमरा सिर्फ एक फैमिली से, एक छोटा सा बच्चा था उससे मैंने बात किया, क्योंकि जो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है वो बहुत अलग लेवल की होती है। उसको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियली। उसने इससे पहले वाइट नहीं देखा है तो इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसा दिखता होगा। इस खूबसूरती से भी बहुत ज़्यादा है वो खूबसूरती। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बोला कि नहीं सर, हमने सोचा था कि ये तो बिल्कुल वाइट होगा, यहाँ पे बहुत सारा शॉल्ट होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता, उन्होंने बोला सर हमारा जो हॉलीडेज़ का टाइम था वो हम कहीं और यूटिलाइज़ कर लिए होते, तो इसलिए मैंने एक ब्लॉक कर देता हूँ मैं, ताकि लोगों को पता चल जाए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे कि आज इतना क्राउड होगा। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, और मैंने ऐसे कई सारे ब्लॉग्स देखे हैं जो पुराने वीडियो को अपलोड किए हैं रिसेंटली और बोल रहे हैं कि अभी रन ऐसा होगा। तो आप मिसगाइड ना हो, मैं आपको डेट और टाइम दोनों बताऊँगा। एंड दिस इज़ द व्यू, एक्चुअल व्यू फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ओनली वाटर। सो टेक
टेक अ नोट, अगर आप प्लान बना रहे हैं तो सही टाइमिंग का ख्याल ज़रूर रखें। तो ये व्यू था आज के रन का जो मैंने आपको दिखाया। टाइम 7:48, 30 अक्टूबर। और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द टेंट सिटी। वहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरी की पूरी टेंट। नाउ थैंक यू फॉर विजिटिंग वाइट डेजर्ट। जो कि अभी वाइट नहीं है, तो बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं इस एरिया में। नाउ यू कैन सी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स मिलेंगे। तैयारियाँ हो रही हैं, दिस इज़ द प्रिपरेशन फेस। आप देख सकते हो बहुत सारी सामान आए जो अभी अनपैक भी नहीं हुई, टेंट्स अभी लगे भी नहीं है। इस तरफ भी सेम कंडीशन है। सो प्रिपरेशन इज इन प्रोग्रेस इन फुल स्पीड यू कैन से। एंड दिस इज द टेंट सिटी जो कि अभी रेडी नहीं है फुल्ली, फिर भी गेस्ट हैं जो रेडी हैं उनमें अकोमोडेट कर रहे हैं। तो चलते हैं विलेज टाइप होम स्टे जहाँ पे है वहाँ पे मैं भी चलूँगा। आपको मैंने टेंट सिटी का व्यू दिखा दिया, वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास अच्छा बजट है, बिकॉज टेंट के लिए वो दे आर चार्जिंग फ्रॉम 7,000 to 20,000। एंड होम स्टे का मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे कितना चार्ज कर रहे हैं। व्यूज़ मैंने आपको पूरे रन का दिखा दिया, बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने बात की। एक्सपेक्टेड टाइम है जो बिल्कुल आपको रन वाइट दिखाई देगा वो लास्ट दिसंबर और फर्स्ट ऑफ जैन, वो आपका सबसे बेस्ट टाइम होगा प्लान करने के लिए। आते हुए मैंने स्टेइंग ऑप्शन आपको बताया, अगर आप टेंट हाउस में रुकना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपके बजट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, अगर उससे कम है तो यहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। और उन सब में जो सबसे बेस्ट लगा छोटा सा यहाँ पे कशकांदी रिसॉर्ट करके है। यहाँ पे तीनों चीज़ है, आपको टेंट मिलेंगे, बुंगाज मिलेंगे, कच्ची जो बिल्कुल ट्रेडिशनल हाउस है वो मिलेंगे। तो एक छोटा सा व्यू इस कशकांदी का। और मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम जो है वो जैन का। अपडेट्स मैं देता रहूँगा बीच बीच में कब कैसा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है अभी पूरे वाइट रन का, बिल्कुल रेडी है या नहीं है, कुछ अभी दिक्कत है। स्टेइंग ऑप्शन मैं इसका दे रहा हूँ, उसके अलावा टेंट सिटी है, उसके अलावा बहुत सारे स्टेइंग ऑप्शन है, आप कहीं पर भी रह सकते। सो एक छोटा सा वॉक अराउंड के बाद मैं चलूँगा और इनके जो ऑपरेटर है इस कशकांदी रिसॉर्ट के उनसे बात करूँगा उनका क्या राय है। तो मैं हूँ अभी कशकांदी रिसॉर्ट के ऑपरेटर जो हमारे हैं उनके पास। सर आप बताएंगे कि आपका क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं, क्या क्या चार्जेस हैं आपके? सर हमारा जब रणोत्सव 2008 से चालू हुआ, मैंने ये रणकांदी होम स्टे मैंने खोला 2010 से, तब से हमारा रेट मैंने टेंट भी 15 लगाया है और कॉटेज कच्ची कॉटेज ये पूरे कच्छ में फेमस है, और हमारा भुंगा जो बोलते हैं वो भी हमारा फेमस है। वो भुंगे का रेट हम पर पर्सन 1500 या 1700 के हिसाब से हम देते हैं। हमारे पास कस्टमर आते तो उसको हम हमारा कस्टमर तरीके नहीं समझते, हमारा हम परिवार तरीके से उससे समझते। हमारे पे चाहे जितना भी भीड़ हो चाहे ऑफ सीजन हो, लेकिन हम ऐसा रेट को आगे पीछे नहीं करते, वो हम सीमित लेते हैं। ये देखिए ये होता है बड़प्पन। अगर यहाँ पे ना मैं दिखा इनका जो सबसे जो नाम था कशकांदी विलेज रिसॉर्ट, बिल्कुल आपको अपना जैसा फील होगा इनके रिसॉर्ट में आने के बाद। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप रिव्यू देखिएगा, कभी आएगा तो आपको खुद पता चलेगा। एक अच्छा सा व्यू मैं आपको बाहर का दिखाया हूँ। सो ये था इनके ऑपरेटर का व्यू, आपने देखा होगा बहुत अच्छे लगे इंसान के। उन्होंने इनकी एक दो चीज़ें मैंने जो कस्टमर से बात कर रहे थे उनके साथ एक कमिटमेंट इनको मुझे इनका बहुत मुझे अच्छा लगा, वो ये था कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है मेरे सर्विस से तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। चलिए और सब स्टिल यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं आपको जो व्यू चाहिए वो नहीं मिले सो इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ अ पीसेस टाइम एंड वैल्यूएबल मनी। सो मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ अगले ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। वाइट रन
कच्छ से।